और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बनाएंगे मटर पनीर की सब्जी और खस्ता पूरियां। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आप हमें Instagram या Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। हमने गैस पे चढ़ाई है कढ़ाई और हमने यहाँ पे पनीर के पीसेस को कट कर लिया। अब हम इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब हम टमाटर, अदरक और मिर्ची का मिक्सी में पेस्ट बना लेंगे। अब हम तेल में डालेंगे हींग, जीरा और अपना मसाला जो हमने पेस्ट बना के तैयार किया था। इसमें डालेंगे अब हम नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च और इसे अब अच्छी तरह से चला लेंगे। अब हम मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। अब हम इस मसाले में डालेंगे मटर, इसे अच्छी तरह से चला लेंगे। अब हम मटर और मसाले को अच्छी तरह से भूनेंगे। देख सकते हैं जैसे कि आप ये भुन गया है। अब हम इसमें डालेंगे पानी और इसे और अच्छी तरह से चलाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे पनीर और इसे भी अच्छी तरह से इसमें चला लेंगे। अब धनिया डालेंगे और इसे सर्व करने के लिए तैयार हो गया है। हम लेंगे गेहूं का आटा, इसमें डालेंगे मक्की का आटा और बेसन। अब हम डालेंगे इसमें हरा धनिया, लाल मिर्च और अब हम इसे चलाएंगे और इसमें डालेंगे तेल। अब हम गैस पर रखेंगे पानी, इसमें डालेंगे हींग, अजवाइन और नमक। अब इसे अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे और इसे अपने आटे में डालेंगे और इसे अच्छी तरह से गूंद लेंगे। अब हम इसका स्मूथ सा डो बना के तैयार कर लेंगे। अब हम इस पे ऑयल ग्रीस करेंगे और इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। अब देख सकते हैं जैसे कि आप 15 मिनट में हमारा डो बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे। अब हम गैस पे चढ़ाएंगे कढ़ाई और इसमें डालेंगे तेल। अब हम इन बॉल्स की अच्छी से पूड़ियाँ बना लेंगे, बेल लेंगे जब तक हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे पूड़ी और इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। खस्ता पूरी और मटर पनीर की सब्जी तैयार हो गई है। हमने अपनी पूरी, मटर पनीर की सब्जी और खीर सर्व की है। अगर आप खीर की वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करें। चाहे फेस्टिवल हो या पार्टी, ये मटर पनीर की सब्जी बेस्ट ऑप्शन होती है।